एक मासूम बंदर जो अपने परिवार के साथ खेल कूद रहा होता है और एक दिन उसे इंसान पकड़ ले जाते हैं और उसे उसके परिवार से अलग कर देते हैं। लेकिन बाद में मालूम चलता है कि उस बंदर के अंदर बहुत भयंकर वायरस था और जो कि पूरे शहर को खतरे में डाल देता है। दोस्तों, अगर ये कहानी पूरी देखना चाहते हो तो कृपया करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दे, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है, 1967 का समय दिखाया जाता है और पहले सीन में हम अफ्रीका के जंगल को देखते हैं जहाँ पर एक भयंकर वायरस फैला होता है और जिस वायरस का नाम है मोटापा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट आते हैं और बीमार हुए पेशेंट्स का ब्लड सैंपल लेकर उन्हें जांच करते हैं और उसके बाद वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। और उसके कुछ घंटे बाद हम देखते हैं कि अमेरिकन जनरल के आर्मीज एक ऑर्डर पास करते हैं और जिसमें कि वो कहते हैं कि इस गांव पे बम गिराकर इस गांव को पूरी तरह तबाह कर देंगे, क्योंकि वो वायरस को आगे फैलने से रोकना चाहते थे। और तभी उस गांव के ऊपर बम गिराकर उस गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाता है और बहुत ही सारे लोग उस जगह पर मारे जाते हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम 28 साल बाद का सीन देखते हैं और यहाँ पर हम कर्नल सैम को देखते हैं। सैम अपनी वाइफ के साथ रहता है और उसकी वाइफ का नाम डॉक्टर रॉबी है। कुछ ही देर में सैम को जनरल की तरफ से एक कॉल आती है और जिसमें कि वो लेवल 4 की डिटेल से बताते हैं। दरअसल लेवल 4 क्या है? लेवल 4 एक ऐसी डिजीज है जिसमें कि इंसानों की लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क होता है। अब इसकी पूरी डिटेल्स को जानने के लिए सैम कर्नल से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर कर्नल सैम की मुलाकात एक ऑफिसर से होती है जिसमें कि जनरल बिली भी शामिल होते हैं। यहाँ पर कर्नल सैम के साथ मेजर सॉल्ट का पहला मिशन होता है और जब ये दोनों अफ्रीका के जंगलों में पहुँचते हैं जहाँ पर की वायरस ब्रेकआउट हुआ होता है, तो फिर वहाँ की सिचुएशन को देख कर ये बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं और जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर होती है और वो सभी खून की उल्टियाँ कर रहे होते हैं। ये देखकर मेजर सॉल्ट बहुत ही ज्यादा हेजिटेट हो जाता है और आपे से बाहर होने लगता है और जल्दी से अपने हेलमेट को उतार देता है और जोर जोर से रोने लगता है। और यहीं पर एक आदमी इनसे आके मिलता है और वो इन्हें बताता है कि ये वायरस हवा में नहीं फैलता और ये लोग उसे अनसुना कर देते हैं और वहाँ से सैंपल्स को इकट्ठा करके वापस अपने देश में आ जाते हैं। और जब कर्नल सैम इस वायरस का टेस्ट कर रहे होते हैं तो फिर इनकी टीम को मालूम चलता है कि ये एक मोटापा वायरस है। ये वही वायरस है जो कि आज से करीबन 28 साल पहले आया था, यानी कि मूवी की शुरुआत में जो हमने देखा था। और उन्हें ये भी मालूम चलता है कि ये वायरस बहुत ही तेजी से फैलता है और एक घंटे में ये वायरस डबल हो जाता है, और अगर इससे सावधानी न बरती जाए तो और 24 घंटे के अंदर इंसान की मौत भी हो सकती है। और इस वायरस की एक अजीब बात ये भी होती है कि ना ही ये टच करने से फैलती है और ना ही हवा में फैलती है। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम चलता है कि ये वायरस बंदरों से आया है और ये वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं साइंटिस्ट अभी भी अफ्रीका से बंदर लेकर अपने दूसरे मुल्कों की तरफ जा रहे हैं ताकि उनके ऊपर मेडिकली एक्सपेरिमेंट किया जा सके। सैम अपने सीनियर्स को ये सारी बातें बताता है और ये भी बताता है कि ये बीमारी जंगल के बंदरों से आई है और कहता है कि इस बंदर का अफ्रीका से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तुरंत ही बंद किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क है। लेकिन सैम के सीनियर्स उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और ज्यादा सीरियस नहीं लेते। अब हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि अफ्रीका के जंगलों से स्मगलिंग करके बंदर को कैलिफोर्निया लेकर आता है और जब रास्ते में वो बंदर पानी पी रहा होता है तो फिर वो पानी पीते हुए उस शख्स के ऊपर कुल्ला कर देता है और जिस वजह से वो पानी उसके मुंह में भी एंटर हो जाता है। इस शख्स का नाम जेम्स स्कॉट होता है। जेम्स इस बंदर को बेचने के लिए एक एनिमल शॉप पर जाता है और जब वो शॉपकीपर उस बंदर को जांच रहा होता है तभी वो बंदर उस शॉपकीपर के हाथ में पंजे मार देता है और जिस वजह से वो जख्मी हो जाता है और उसके हाथ से खून भी निकलने लगता है। और जब दुकानदार गौर करता है कि वो मेल बंदर नहीं बल्कि फीमेल है तो फिर वो उस बंदरिया को स्कॉट को वापस कर देता है और कहता है कि मुझे फीमेल नहीं मेल बंदर की जरूरत है। इसी बंदर के हाथ में एक बनाना भी होता है और जो कि दूसरा बंदर उससे छीन लेता है और उसके जूठे को खा लेता है। और यहाँ पर हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि इस बंदर से वायरस फैल रहा है जो कि स्कॉट के मुंह में गया जब बंदर ने उसके मुंह पर कुल्ला किया था और फिर शॉपकीपर के हाथ में पंजा मार दिया और लास्ट में दूसरा बंदर उसका जूठा बनाना खा लिया। और जब इसका बंदर नहीं बिका तो फिर स्कॉट वापस जंगल में आता है, अपने करीब वाले जंगल में उसे छोड़ देता है। अब स्कॉट यहाँ से बोस्टन जाने की तैयारी करता है।
वो अपनी फ्लाइट में बैठकर वापस जाने लगता है। तभी प्लेन के अंदर स्कॉट की तबीयत खराब होने लगती है और जब स्कॉट बोस्टन पहुंच जाता है तो फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से गले मिलता है और उसी समय ही स्कॉट बेहोश होकर एयरपोर्ट पर ही गिर जाता है। दूसरी तरफ हम उस दुकानदार को देखते हैं जिसको कि उस बंदर ने पंजा मारा था और वो भी वहीं पर ही खून की उल्टी करता है और बीमार होकर वहीं पर ही गिर जाता है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। यहाँ पर एक लैब असिस्टेंट उस दुकानदार के ब्लड को जांच कर रहा होता है और इसी टेस्ट के दौरान वो ब्लड का सैंपल उसके चेहरे पे छिटक जाता है और जिस वजह से वो खुद को हॉस्पिटलाइज करवा देता है। इससे वो भी वायरस के चपेट में आ सकता है। अगले सीन में हम रॉबी को देखते हैं जो कि कर्नल सैम की वाइफ है। ये पेशे से एक डॉक्टर होती है और जब रॉबी को स्कॉट के बारे में मालूम चलता है तो फिर वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए जाती है और जब तक वो वहाँ पर पहुँचती है तो स्कॉट की डेथ हो चुकी होती है। और जब रॉबी स्कॉट का पोस्टमार्टम करती है तो फिर वो देखती है कि उसके जिस्म के तमाम हिस्से एक लिक्विड से भर जाते हैं और उसने आज तक ऐसा केस कभी भी नहीं देखा होता है और वो इस बात को अपने हस्बैंड सैम से भी शेयर करती है और रॉबी उसे ये भी बताती है कि अगर ऐसा केस 24 घंटे में दोबारा आया तो फिर हम हाई अलर्ट को इश्यू कर देंगे। अब हम देखते हैं कि वही लेबोरेटरी वाला असिस्टेंट जिसके मुंह पर खून के छींटे पड़े थे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सिनेमा में मूवी देखने जाता है और वहाँ पर उसकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है और जिस वजह से वो जोर जोर से खांसने लगता है और जिसकी वजह से वो वायरस दूसरे लोगों तक पहुँचने लगता है। लेकिन उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि वो वायरस से संक्रमित है। उसे ये सब कुछ एक नॉर्मल खांसी लग रही थी और जब वो पानी पीने के लिए बाहर जाता है तो फिर वो वहीं पर ही गिर जाता है और ये भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उस सिनेमा हॉल में जो भी हुआ उसकी वजह से बहुत ही सारे लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे ये बीमारी पूरे शहर में फैल रही होती है और जिस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा ऐसे केसेस मौजूद होते हैं वहाँ पर डॉक्टर रॉबी अपने टीम को लेकर जाती है। दूसरी तरफ कर्नल सैम भी कैलिफोर्निया पहुँच जाते हैं क्योंकि कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा बीमारी फैल रही होती है। और अब हम ये देखते हैं कि ब्रिगेडियर जनरल बिली फोर्ड अपने एसोसिएट मेंबर से बात कर रहे होते हैं। उनका एसोसिएट उन्हें कहता है कि कैलिफोर्निया को तबाह करना ही एकमात्र एक सॉल्यूशन है ताकि ये वायरस दूसरे शहरों में न फैले। और तभी बिली फोर्ड कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सभी को बचाएंगे। और उस कॉल को रखने के बाद पूरे कैलिफोर्निया को यूएस आर्मी चारों तरफ से घेर लेती है ताकि कोई इंसान न बाहर जा सके न ही कैलिफोर्निया में दाखिल हो सके। और जब सैम और रॉबी मिलते हैं तो फिर इन्हें मालूम चलता है कि वायरस हवा में भी फैला करता है क्योंकि ये वायरस उस शख्स में भी फैला था जो कि वायरस वाले लोगों के बीच बिल्कुल भी नहीं था। अब पूरी टीम आपस में मिलती है और इस बात को फाइनलाइज करती है और अलग अलग थ्योरी भी बनाते हैं कि ये वायरस हवा से भी फैल सकता है और इसके अलावा ये किसी एनिमल की वजह से आया है। इधर शहर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं और शहर में हर तरफ अफरा तफरी होती है और कुछ लोग वहाँ से भागने की कोशिश भी करते हैं लेकिन आर्मी के लोग किसी को भी वहाँ से बाहर नहीं निकलने देते और सभी को एक कैंप लगाकर क्वारंटीन कर देते हैं ताकि वायरस और ज्यादा न फैले। अब हम देखते हैं कि रॉबी इन्फेक्टेड स्टोर में जाती है। ये इन्फेक्टेड स्टोर वही है जहाँ पर कि इन्फेक्टेड एनिमल पाए जाते हैं। वो वहाँ से उस इन्फेक्टेड बंदर को लेकर आती है और उसका चेकअप करती है। चेकअप के बाद ये सामने आता है कि उस बंदर के जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज नहीं है और जो कि वायरस को एक्सेप्ट कर सके। इस एपिडेमिक से बचने के लिए जनरल बिली फोर्ड E1101 सीरम का चॉइस करते हैं। दरअसल ये वही सीरम होता है जो कि आज से 28 साल पहले भी लोगों को दिया गया था क्योंकि ये बीमारी एक बार पहले भी आ चुकी है लेकिन पेशेंट पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि ये वायरस पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर आया है। ये सीरम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता है और पेशेंट्स की मौत होने लग जाती है। अब सैम उस सीरम को लेकर अपनी लेबोरेटरी में आता है ताकि सीरम के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके। अपने कोवर्कर मेजर सॉल्ट को वो सीरम देता है और कहता है कि इसकी डिटेल्स चेक करो और उस बंदर को भी देने के लिए कहता है। मेजर सॉल्ट उस सीरम को उस बंदर को भी देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएस आर्मी अपने लोगों को कहती है कि अगर तुम लोगों को किसी भी प्रकार का फ्लू खांसी या नजला जुकाम हो तो या कोई भी दिक्कत है या बीमारी का एहसास हो रहा हो तो अपने घर के दरवाजे के आगे एक सफेद कपड़ा लगाएं। इस सफेद कपड़े की वजह से उनके घर पर यूएस आर्मी आती है और इन्फेक्टेड लोगों को अपने साथ में ले जाती है ताकि उनका इलाज कर सके। दूसरी तरफ कर्नल सैम का साथी केसी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और
एक्सपेरिमेंट के दौरान गलती से उसका सूट फट जाता है। ये एक प्रोटेक्टिव सूट था और फटने की वजह से इसकी प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि वो चारों तरफ वायरस के पास होता है और इस वजह से वो वायरस उसके अंदर भी आ जाता है, लेकिन वो इस वायरस का किसी से भी जिक्र नहीं करता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट एक मीटिंग कर रहे होते हैं और इसी मीटिंग के दौरान वो जनरल जिसने कि बिली से कहा था कि हम कैलिफोर्निया को तबाह कर देते हैं, वो यहाँ पर भी मौजूद होता है और वही जनरल कैलिफोर्निया को तबाह करने की इजाजत ले लेता है। यानी कि अब गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि कैलिफोर्निया को तबाह कर दिया जाए, क्योंकि अगर बम को गिराकर इसे तबाह न किया गया तो और तब ये बीमारी दूसरे शहरों में भी फैल सकती है। और ये तो एक कॉमन सेंस की बात थी कि कैलिफोर्निया के 27,000 लोगों को बचाने के लिए अमेरिका के लाखों लोगों को मुसीबत में डालें। यहाँ पर कर्नल सैम और उसकी वाइफ रॉबी आपस में बातें कर रहे होते हैं और उनकी नज़र एकदम से बंदर के ऊपर जाती है जो कि बिल्कुल एक्टिव होकर खड़ा हो चुका था और खेल कूद रहा होता है। वो लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्हें मालूम चलता है कि ये सीरम जो कि E1101 है, ये बीमारी की एंटीडोट है और ये वही सीरम था जो कि अफ्रीका के लोगों को ठीक करने के लिए बनाया गया था, लेकिन कैलिफोर्निया में ये वायरस बहुत ही हाई लेवल तक फैल चुका है। इस वजह से ये एंटीडोट यहाँ पर बहुत से लोगों पर असर नहीं कर रहा है, यानी कि ये एंटीडोट बिल्कुल भी काम नहीं आ रही है और इसकी वजह से लगातार ही लोगों की मौत होती जा रही है। और यहीं पर लैब में कैसी जिसका की सूट फटा होता है वो भी बीमार पड़ के गिर जाता है। अब कैसी के साथी उसे लेकर हॉस्पिटल में चले जाते हैं। यहाँ पर जब रॉबी कैसी को इंजेक्शन लगाने लगती है तो फिर गलती से वो इंजेक्शन रॉबी के हाथ में छुप जाता है और जिस वजह से ये वायरस रॉबी के अंदर भी आ जाता है। अब यहाँ पर रॉबी और कैसी दोनों को ही वायरस हो चुका है। अगले सीन में सैम बिली फोर्ड से मिलने के लिए जाता है, तभी बिली सैम को बताता है कि यूएस के प्रेसिडेंट ने आज रात के 8 बजे पूरे शहर कैलिफोर्निया को बॉम्ब से उड़ाने का फैसला कर लिया है और ये भी बताता है कि ये वायरस यूएस की वजह से फैला है और जो कि बायोलॉजिकल वायरस बना रहा होता है और उस समय गलती से अफ्रीका के लोगों में फैल गया था और यही वजह है कि वो वायरस सबके अंदर आ चुका है। दूसरी तरफ कैसी की भी डेथ हो जाती है। अब सैम को एक आइडिया आता है, किसी अफ्रीका के बंदर को हासिल किया जाए और उनकी एंटीबॉडीज को इस सीरम के साथ मिलाकर एक एंटीडोट बनाई जाए और जो कि सबके लिए इफेक्टिव हो सकती है। और बहुत ही सारे रिसर्च के बाद उसे मालूम चलता है कि एक बंदर यहाँ पर अफ्रीका से स्मगल्ड होकर आया था और जो कि इस समय नियरेस्ट जंगल में है। और फिर वो सभी उस जंगल में जाते हैं और काफी मुश्किलों के बाद उस बंदर को पकड़ लिया जाता है। अब बंदर इनके पास आ चुका था और फिर इसके बाद सैम और उसकी टीम इस बंदर के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रही होती है और आखिरी में उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और ये लोग एक एंटीडोट बना लेते हैं। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि एंटीडोट बनाने के लिए सीरम पहले से ही मौजूद था और अब इनके पास एंटीडोट भी है और सीरम भी, और ये लोग इन दोनों को मिक्स करते हैं और इनके सामने वायरस से बचने की वैक्सीन आ जाती है। यानी कि इस वायरस से बचने का ये 100% तरीका मिल गया है। सबसे पहले सैम इस वैक्सीन को अपनी वाइफ रॉबी को देता है, क्योंकि रॉबी भी बहुत ही बुरी तरह से बीमार होती है और ये रॉबी को लगातार मॉनिटर करते हैं कि धीरे धीरे रॉबी की तबीयत ठीक हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, यानी कि उन्होंने इस वायरस से बचने के लिए मेडिसिन बना ली है। अब हम देखते हैं कि 8 बजने वाले होते हैं, क्योंकि 8 बजे एक प्लेन ने आकर शहर को उड़ाना है और वो प्लेन भी निकल जाता है। अब इसके बाद ये दोनों सैम और उसका साथी सॉल्ट एक हेलीकॉप्टर में बैठते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो दोनों उस प्लेन को रोक सके। अब सैम का उस पायलट से कांटेक्ट होता है और वो जिसे की मना करता है कि बम मत गिराओ, हमने वैक्सीन बना ली है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और तभी वो जनरल बिली फोर्ड को इंटरफेयर करता है और वो उस पायलट को शहर पर बम गिराने के लिए रोक लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिली फोर्ड उस जनरल को भी पकड़वा देता है जिसने कि प्रेसिडेंट को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस बीमारी का कोई भी सीरम नहीं है और कोई भी एंटीडोट नहीं है, जबकि सीरम था और वो पूरी तरह से काम कर रही थी और नया सीरम भी बन चुका है और नियम के मुताबिक अगर ऐसा कुछ भी हो तो कभी भी शहर के ऊपर बम नहीं गिराया जा सकता। जनरल डॉलेंड लोगों को मरता हुआ देखना चाहता था, इस वजह से उसने ये सभी बातें छुपाई और अब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस वायरस की वैक्सीन को कमर्शियली बनाया जाता है और सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और जितने भी इन्फेक्टेड लोग होते हैं वो सभी धीरे धीरे
ठीक होने लग जाते हैं और सभी लोगों में जिंदगी की उम्मीद दोबारा से जग जाती है। और दोस्तों यहीं पर ही ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।